बच्चों, कल हमने आपको वास्तविक संख्याओं के घातांक के विषय में बताया था। आज हम आपको कुछ प्रश्न हल करके दिखाते हैं। जैसे पहला प्रश्न है 3² की होल पावर 3। ठीक है, इसके लिए हमने आपको एक रूल बताया था। यदि m की पावर n हो और इसकी होल पावर n हो तो इन दोनों की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, ए की पावर एम एम। ये रूल इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3² ठीक है, या तो आप इसको लिख सकते हैं 3² की होल पावर 3। इसका मतलब है 3² × 3² × 3² सबके बेस एक जैसे हैं, आधार एक जैसे हैं, तो सारी पावर आपस में कैसी हो जाएंगी बच्चों, जुड़ जाएंगी। 2, 2, 4, 2, 6 हो जाएगा 3 की पावर 6। इससे क्या मतलब हुआ, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 ठीक है। इसके जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 729। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ये होल पावर के रूप में था और अब हम आपको बताते हैं 4² × 4³। सिंपली इसमें भी एक आप जो मेथड लगाएंगे, दोनों के आधार समान है जैसे हमने आपको यहाँ बताया था, तो क्या हो जाएगा 4³ + 3 = 4⁵। इससे क्या मतलब हुआ, आप 4 की मल्टीप्लाई 4 में ही 5 बार कर दीजिए और ये मल्टीप्लाई होने के बाद आपका आ जाएगा 1024। तीसरा क्वेश्चन, 11² होल पावर 3 क्या मतलब होगा, 11 बटे 12। जब आप इसकी तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 की 3 टाइम्स 12 की 3 टाइम्स, 1331/1728 आ जाएगा। ठीक है, हमने कल जो आपको ये रूल बताए थे, आप इनको अपने दिमाग में रखते हुए, जो कल हमने आपको ये सारे रूल बताए थे, ये ही सारे रूल अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन अभी हम और बताते हैं आपको, 1/2 की होल पावर 5 × −2³³³ × 3³⁵⁻¹¹ देखो बच्चों, वन अपॉन टू की पावर फाइव ऐसे रहने दीजिए इनटू, इससे क्या मतलब है, −2⁴। और आप ये जानते हैं कि किसी की भी पावर, ये 3 की पावर 4 होगा और ये हो जाएगा, ये 3/5 की पावर −1 है। अगर आप इस ऋणात्मक घात को पॉजिटिव करना चाहते तो क्या बताया था, इसको वन अपॉन, जैसे अगर x की पावर −1 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x। ठीक है, तो इसी को आप क्या लिखेंगे, 1/3/5। तो ये जो पावर −1 है ये +1 हो जाएगी। किसी की भी पावर ऋणात्मक चिन्ह के साथ अगर सम संख्या होती है तो वो ऋणात्मक चिन्ह प्लस में बदल जाता है। 1/2 की पावर 5 × 2⁴³³ ये क्या होगा, 1/3/5 पलट जाएगा 5/3। अब सबकी मल्टीप्लाई करिए, 1/1 की पावर 5 × 2⁴³³ × 5³³ ठीक है बच्चों। इसके बाद 1 की पावर 5 = 1, 2 की पावर 5 आप जानते हैं, 2 की पावर जब 5 है तो उसकी 2 की गुणा 2 में 5 बार करेंगे तो 32 आता है, 2 की गुणा 4 बार करेंगे तो 16, 3 की पावर 4 जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 81, और ये 5/3 आपका ऐसे ही रहेगा। कुछ काट सकते हैं, 16 × 16 = 32 ये हो जाएगा ऊपर 5/2 × 81 × 3 = जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों
ये हो जाएगा 486। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताते हैं हम आपको, फिफ्थ क्वेश्चन। 2 की पावर 55 इंटू 2 की पावर 60 माइनस 2 की पावर 97 इंटू 2 की पावर 80। देखो बच्चों, यहाँ माइनस आ गया है। अभी तक हमने ऊपर से लिखे जितने तुम्हारे क्वेश्चन बताए सब में संख्याओं के बीच में मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह था, गुणा का चिन्ह था, यहाँ किसका चिन्ह है? माइनस का। दोनों के बेस इक्वल हैं तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों की घातों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। माइनस ऐसे रहने दीजिए, इसको भी यहाँ पे 97 में 18 को जोड़ दीजिए। जब आधार समान होते हैं, ये हमने आपको बताया था, यदि a की पावर m इंटू a की पावर n है तो वो a की पावर m प्लस n हो जाता है। ये फॉर्मूला आप अपने दिमाग में रखिए। ये हो जाएगा इज इक्वल टू, ये 2 की पावर 5 115 और यहाँ भी 115। ये 2 की पावर 115 प्लस है, ये माइनस से क्या हो जाएगा, 0। इसके अलावा आप प्रश्न करने की प्रैक्टिस करिएगा।